हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जितनी भी वीडियोज मैं अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुँच जाए। अगर आप स्टॉक्स रिलेटेड डाउट्स मेरे से क्लियर करना चाहते हैं और बैंक निफ्टी के बेसिक्स को सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जहां पे आप अपने डाउट्स मेरे से पूछ सकते हैं और बैंक निफ्टी ट्रेडिंग के बेसिक्स भी सीख सकते हैं। लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के दिन में अगर टीवी 18 ब्रॉडकास्ट की बात करें तो देख सकते हैं आप 5.5% के आसपास की तेजी के साथ स्टॉक ने आज की क्लोजिंग दिखाई है। काफी अच्छा मोमेंटम रहा है आज के दिन में। 44.90 रुपये के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। 5 दिन की अगर बात करें तो 4% के आसपास की तेजी जो है बीते 5 दिनों के अंदर स्टॉक में देखने को मिली है। वहीं अगर मैं 1 महीने की बात करूं तो स्टॉक ऑलमोस्ट 5% के आसपास की करेक्शन में आने के बाद ऑलमोस्ट 40 रुपये के आसपास से दोबारा से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। 6 महीने की बात करें तो 38% रिटर्न बनाकर दे चुका है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि TV18 ब्रॉडकास्ट जो है वो रिलायंस ग्रुप से बिलोंग करता है और अगर मैं 1 साल की बात करूं तो 25% रिटर्न बनाकर दिए हैं स्टॉक ने। 5 साल की परफॉर्मेंस देखें, दिस इज द गुड टाइम व्हेन स्टॉक ऑलमोस्ट हिट 80 रुपीज टारगेट और उसके बाद से स्टॉक में मोस्टली करेक्शन देखने को मिली और उसी रेंज में आके दोबारा से सपोर्ट लेता हुआ जहां पे स्टॉक ने पहले भी सपोर्ट लिया था। मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो ऊपरी स्तर से स्टॉक ऑलमोस्ट अभी भी 45% की करेक्शन में देखने को मिल रहा है। सेप्टेम्बर क्वार्टर के अगर नंबर्स के हिसाब से देखें तो क्वार्टरली जो रिवेन्यू रहा था कंपनी का सेप्टेम्बर क्वार्टर में वो 21.77% तक इंक्रीज हुआ था और नेट इनकम जो थी ऑलमोस्ट 608% तक डिक्रीज हुई और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 512% तक डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिला। आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स की अगर मैं बात करूं तो अभी भी 45.05 रुपये के भाव में 165,785 शेयर्स जो हैं बाइंग ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं TV18 ब्रॉडकास्ट में और अगर वॉल्यूम की बात करें तो 3.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम आज के दिन में स्टॉक में ट्रेड हुआ। तो काफी अच्छा मोमेंटम स्टॉक में बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। 52-वीक हाई की बात करें तो 51.60 रुपये और आज की स्टॉक की क्लोजिंग ऑलमोस्ट 45 रुपये के आसपास है जो कि स्टॉक को फर्दर इन लेवल्स पर लेकर जाने के लिए सक्षम है। सेप्टेम्बर क्वार्टर के अगर नंबर्स के हिसाब से देखें तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो अनचेंज्ड रही है ऑलमोस्ट 60% के आसपास और FII ने होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज कर दी है 8.50% से बढ़ाकर 8.55% कर दी है और म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग भी 2.72% से बढ़कर 3.10% तक पहुंच चुकी थी। यानी कि म्यूचुअल फंड्स और FII जो है वो दोनों ही TV18 ब्रॉडकास्ट को लेकर Q2 के अंदर काफी बुलिश देखने को मिल रहे हैं। टेक्निकल चार्ट की बात करें तो दिस इज द पीक ऑफ द May 2022 जिसके बाद से सडन फॉल स्टॉक में देखने को मिला था और अभी जो है स्टॉक इस रेंज में एक सपोर्ट लेके ऑलमोस्ट अगर इन लेवल्स की मैं बात करूं तो 27 रुपए के आसपास का एक सपोर्ट क्रिएट करके स्टॉक ने फर्दर रैली दिखाई है। तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो स्टॉक के लिए अपना खुद का 52-वीक हाई है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन लेवल्स को तो ऑलमोस्ट स्टॉक ने जो रिकवरी दिखाई यहाँ के आप एक रिट्रेसमेंट आप इसको कह सकते हो उसके बाद से एक पुलबैक जो है स्टॉक में देखने को मिल सकता है और अगर इस रेंज को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे स्टॉक में हमें फर्दर फिर जो है हमें 60+ के टारगेट्स जो है TV18 ब्रॉडकास्ट के अंदर निकलते हुए नजर आ जाएंगे। तो TV18 ब्रॉडकास्ट एज ए लॉन्ग टर्म स्टॉक बट लेकिन ऊपरी स्तर से करेक्शन हुई है बट द मेन रीजन ऑफ द बाइंग इज कि रिलायंस ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है और ऐसे में अगर इन लेवल्स को ब्रेक करता है ऑलमोस्ट 51.20 रुपये के आसपास के लेवल को ब्रेक करता है तो शॉर्ट टर्म में 60+ के टारगेट्स TV18 ब्रॉडकास्ट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, विजिट पहली बार की हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका किसी भी स्टॉक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं।